हेलो, वेलकम टू संजीवनी। दिस इज शेखर कुल सिस्टम फॉर यू। ये हमारी जो ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं उनका उसका सेकंड लेक्चर है। आज कल मैंने एक वीडियो से रिलेटेड अपलोड की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। यदि आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस का सेकेंड वीडियो है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस। कल मैंने कंप्यूटर के संबंध में बताया था, कंप्यूटर क्या होता है, कितने भाग होते हैं, कैसे काम करता है। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के इतिहास के संबंध में समझेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ से आया, कंप्यूटर का विकास किस किन स्टेप से होकर के हुआ है। आज के टाइम में हम जो कंप्यूटर देख रहे हैं वो लास्ट टाइम से या शुरू से किस तरह का था, पहला कंप्यूटर कौन सा था, यानी ऑल ओवर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आज की हम इस वीडियो में समझेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास किस तरीके का है। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास काफ़ी पुराना है। आज हम जो कंप्यूटर देख रहे हैं वो आधुनिक कंप्यूटर्स की श्रेणी में आते हैं, लेकिन आज के तरह से कंप्यूटर हमेशा से नहीं थे। हमेशा से कंप्यूटर इस तरह का नहीं था जो आज हमें दिखाई देता है। कंप्यूटर का स्वरूप लगातार बदलता रहा है। एक टाइम में कंप्यूटर का साइज इतना बड़ा था, एक बड़े 50x50 के कमरे के बराबर कंप्यूटर का साइज होता था। आज हम देखें तो कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया है। आप उसको हाथ में रख के या लैप्स पर रख के आप उसको चला सकते हो। तो कंप्यूटर के साइज में, कंप्यूटर की क्षमताओं में, कंप्यूटर के काम करने की स्पीड लगातार चेंज होती है। ये तो आज की इस वीडियो में हम उसी को समझेंगे कि कंप्यूटर कैसे एक एक करके अपने विकास क्रम में आगे की ओर बढ़ता रहा है। अगर हम कंप्यूटर के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले जो डिवाइस मानी जाती है डेट इज़ द अवेकस। अवेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस जो माना जाता है कि पहला नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, तो अवेकस था। तो अवेकस का जो विकास है लगभग 3000 ईसा पूर्व, लगभग 3000 ईसा पूर्व या 3000 BC में चाइना में हुआ था। चाइना में इसको माना जाता है कि इसका विकास हुआ था। उस टाइम पर अवेकस की सहायता से जो है कैलकुलेशन का काम किया जाता था, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना भाग देना, ये सारे काम जो है अवेकस की सहायता से किया जा सकते थे। इट वॉज एन मैकेनिकल डिवाइस, ये एक मैकेनिकल डिवाइस थी जिसका उपयोग वर्तमान समय में भी चीन, जापान सहित एशिया के कई सारे देशों में इसका उपयोग किया जाता है। अवेकस आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, छोटे बच्चों की स्लेट में आता है इस तरह का, ये जो दिखाई दे रहा है ये अवेकस है। और इस अवेकस का उपयोग वर्तमान समय में भी किया जाता है। तो लगभग 3000 ईसा पूर्व, यानी कि इसका मतलब हुआ 3000 ईसा पूर्व मतलब लगभग 5000 साल पहले इस डिवाइस का विकास चाइना में हुआ था, और उस टाइम से लेकर के अभी तक इसको उपयोग में लेकर के आया जाता है। सो अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं, जैसे कि अवेकस का विकास कहाँ पर हुआ था, तो चाइना में हुआ था। अवेकस को कितने साल पहले विकसित किया गया था, लगभग 5000 साल पहले विकसित किया गया था, या 3000 ईसा पूर्व भी हम उसमें देख सकते हैं अगर दिया हो तो। अवेकस किस काम के लिए या क्या क्या ऑपरेशंस करने में परफॉर्म करने में सक्षम था, तो अवेकस वाज एनेबल टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। दीज वाज द फोर ऑपरेशन दैट परफॉर्म बाय द अवेकस। तो ये चार तरह के ऑपरेशंस करने में अवेकस सक्षम था। तो अवेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, द नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज पास्कलाइन और एडिंग मशीन। पास्कलाइन और एडिंग मशीन, सो द पास्कलाइन वाज द सेकेंड कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड इन टू 17th century बाय ब्लेज पास्कल। किसके द्वारा डेवलप किया गया था इसको, ब्लेज पास्कल के द्वारा 17वीं शताब्दी में, लगभग 1645 में बनकर के ये मार्केट में आ गई थी। कई सारी बुक्स में, कई सारी जगह पर 1642 भी दिया हुआ है, बिकॉज इसके दो वर्जन आए थे। इसका फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज इनटू 1642 एंड द सेकंड वर्जन रिलीज इनटू द 1645। सो जो इसका वास्तविक जो बिल्कुल एक्चुअल वर्जन जो आया था वो 1645 में आया था,
और ये फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल, उन्होंने इसको विकसित किया था, ठीक है, इसीलिए उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया पास्कलाइन। ये एडिंग मशीन के नाम से भी जानी जाती थी क्योंकि इसका उपयोग जोड़ने और घटाने के लिए किया जा सकता था। इट मीन्स कि ये केवल जोड़ने और घटाने का काम कर सकती थी। यू कैन नॉट परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन विद दिस मशीन, यू कैन ओनली एड एंड सबट्रैक्ट द डेटा विथ पास्कलाइन। ये जो पास्कलाइन मशीन थी, इट वर्क विथ ऑडोमीटर प्रिंसिपल्स, ऑडोमीटर के सिद्धांत पे काम करती थी। एक इसमें जो है दांतेदार चक्रिया व्हील होती थी जो लगातार घूमती रहती थी, 0 से लेकर के 9 तक उन पर अंक छपे हुए होते थे और जिनकी सहायता से कैलकुलेशन किया जाता था। तो ये 1645 में जो है बन करके आया था। सो इट वॉज द सेकेंड कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय ब्लेज पास्कल, नॉन एज पास्कलाइन और एडिंग मशीन। दिस इज द पास्कलाइन मशीन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, पास्कलाइन मशीन है ये, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि ये ऑडोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करती थी और इसको एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था। कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, पास्कलाइन को किसने विकसित किया है, तो पास्कलाइन को ब्लेज पास्कल ने विकसित किया है। कब विकसित किया है, 1645 में विकसित किया है। इसके द्वारा क्या क्या किया जा सकता था, इसके द्वारा एडिंग एडिशन का काम, सबट्रैक्शन का काम यानी जोड़ने और घटाने का काम किया जा सकता था। इसी वजह से इसको जो है एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था। तो ये द्वितीय या सेकंड कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो कि ह्यूमन के द्वारा डेवलप की गई थी कैलकुलेशन करने के लिए। हम कंप्यूटर्स का इतिहास पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अभी कंप्यूटर नहीं आए हैं, यहाँ पे अभी हम जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम कैलकुलेटिंग डिवाइस देखते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन कीजिए, वेबसाइट है www.sanjeevniedu.in, sanjeevniedu.in। यहाँ पर जाकर के आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। ये एक पेड क्लास है और 70 दिनों की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास है जिसमें 5 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी साथ में। और इसके लिए आपको जस्ट ओनली 1499 1499 पर पे करनी है। काफी बेनिफिशियल, काफी यूजफुल क्लास है। सीपीसीटी, सीएल, सीसीसी और स्टेनो, एसआई, ओ लेवल और एनी अदर एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, सभी के लिए काफी बेनिफिशियल है ये क्लास जो है। आप इसको रजिस्टर कीजिए और 70 दिनों तक आप कंटिन्यू पर डे हर अलग अलग लेक्चर्स, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप उनको देख सकते हैं। पेमेंट मेथड काफी सिंपल है, आप अकाउंट डिटेल यहाँ पर दी हुई है, इस अकाउंट में आप जो है 1499 रुपये डाल सकते हैं या फिर पेटीएम फोन पे के माध्यम से कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं 1499 रुपये। सो उम्मीद है आप इसको ज्वाइन करेंगे, इस पूरे सेशन को जो कि 70 दिनों का लेक्चर है, आपका कोर्स पूरा डिजाइन है सीपीसीटी के लिए, ट्रिपल सी के लिए और भी कई एग्जाम्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।